Hey, hello everybody, welcome back again with a new video. Day 5 में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से bottom of my heart स्वागत है। यार अगर आप first time video देख रहे हैं तो brief में बताता हूँ जल्दी से, हम complete कर रहे हैं $100 से $1600 एक target है, देखते हैं पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। और ये जो chart आप देख सकते हैं इसके basis पे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3, अभी हम पहुंच चुके हैं डे 5 पे, क्योंकि आप बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं 148.06। और 148 कौन सी कैटेगरी में बैठता है भैया, देखिए 146। तो हम पहुंच चुके हैं डे 5 पे, अगर हमें डे 6 पे पहुंचना है तो हमें $161 का प्रॉफिट करना होगा, यानी ये जो बैलेंस है इसको 161 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आज के दिन हमारा जो टारगेट है वो $15 का होने वाला है। देखेंगे आप प्रॉफिट का टारगेट डेली का डेली अब बढ़ेगा भैया। वो जो ऐसा था ना कि 10, 11, 12, अब 13, 14, 15, 21, 24, 26, अब एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। तो अब आपको इस जर्नी में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये जो सीरीज़ है ये आप खुद भी जी सकते हैं, ये बहुत ईजी है, आप अपने अकाउंट के साथ ट्राई कर सकते हैं डेली बेसिस पे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और जहाँ पे भी हम फेल होंगे हम अगेन एक कदम पीछे ले लेंगे और हम पीछे वाले दिन से वापस से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा आपको, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस जो एपिसोड्स हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 4 फॉलो कीजिए, आप सारी चीज़ें जो है वो समझ जाएंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप वॉल्यूम ट्रेड पे अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा सकते हैं आप और वॉल्यूम ट्रेड में रजिस्टर कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है हमारा फ्री सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग न्यूज़ इंपैक्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मिस मत कीजिएगा। इस चैनल पे हर एक चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो फ़ायदा उठा लीजिए। हमारे ग्राफ पे हम आ गए, $5 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि कल भी हमें $5 की ही ट्रेड लेनी थी, बट आज मैं करेंसी पेयर जो है वो चेंज करने वाला हूँ यूरो यूएसडी, बिकॉज इस पेयर पे अभी फिलहाल न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ इम्पैक्ट है 3 बुल की, तो मैं वहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। मैंने यहाँ भी इस वाले पे भी कुछ कह नहीं सकते बिकॉज यूएसडी जो पेयर है उसके साथ थोड़ा बहुत चल ही रहा है, बट फिर भी कोई बात नहीं। अब न्यूज़ वाले सेगमेंट में क्या होता है भैया, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज काम नहीं आती हैं, फिर भी मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ, स्लाइडिंग ऑन एवरेज वाली स्ट्रैटेजी जो है, यानी कि मैं ऐसे में यूज़ करने वाला हूँ आज के दिन के लिए। ये देखिए स्ट्रैटेजी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके, बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है डेडिकेटेडली। और इस सीरीज़ में आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेट मी टेल यू हाउ। देखिए जब भी मैं कोई ट्रेड लूँगा मैं आपको पहले बताऊँगा कि अभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक सेकंड का ब्रेक लेना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉल सही रहेगा इस समय या पुट सही रहेगा या हमें रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ये आपका कॉल होगा। और आप फिर आंसर्स को आपके मैच कीजिएगा आफ्टर एवरी ट्रेड, तो आपको ऐसा समझ लीजिए आप रियल पैसा आपका नहीं लगा रहे हो लेकिन फिर भी आप जजमेंट कर पा रहे हो और आपकी ट्रेडिंग को आप इम्प्रूव कर पा रहे हो। चलिए हम पहली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और बताइए फिर कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड ले ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप सही होंगे या मैं सही होऊंगा, या आप और मैं दोनों भी सही हो सकते हैं, दो चीज़ हो सकती है, माफी चाहूँगा। तो जिन्होंने पुट कहा है वो आज मेरे साथ खड़े हैं इस रेस में, जिन्होंने कॉल कहा है वो फिलहाल मेरे साथ नहीं है, वो अलग रेस में है, जिन्होंने होल्ड कहा है वो भी अलग रेस में है। मैंने तुरंत पुट के लिए ट्रेड ले ली क्योंकि मुझे लगा पुट जाने के चांसेस हैं। अब लगा इन द सेंस कि अंधेरे में तीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर मैंने मारा है, यहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, हो सकता है इस कैंडल पे ना हो लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा फॉर श्योर। ठीक है, देखिए कोशिश हो रही है ट्रेंड चेंज होने की, आप देख सकते हैं, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली इंडिकेशंस नहीं मिल रहे, बट आप मेरे वर्ड्स पे जाइए और ग्राफ को देखिए, क्या आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये रीज़न था मेरा ट्रेड लेने का और पहली ट्रेड हमारी ड्रॉ हो चुकी है,
महज एक या दो सेकंड अगर लेट ट्रेड होती तो प्रॉफिटेबल होती। तो चलिए सेकंड ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। आपका ओपिनियन आप शेयर कीजिएगा, मैं बार बार अगर ये चीज़ बोलूँगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप मेरे बोलने का वेट मत कीजिए। आपको पता है एक ट्रेड हो चुकी है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, होल्ड करना है, पुट लेना है या कॉल लेना है, आप अपने आंसर्स भी मैच कीजिएगा। मैं जो ट्रेड है वो प्लेस कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने तो बोला था ट्रेंड चेंज होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था ट्रेंड चेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये किस कैंडल का साइन होता है। आपने बहुत पढ़ा है, हैमर पढ़ा आपने, आप सेम टू सेम उस तरीके का कैंडल यहाँ पे आप बनते हुए देख सकते हैं। तो ये रीज़न है कि मैंने फिर से एक मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाई। पिछली बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेट्स सी आप और मेरे आंसर्स कितने मैच खाते हैं इस ट्रेड के बाद, हमें मुझे और आपको पता लग जाएगा। तो यार आप लोगों ने मुझे हराई दिया। जिन भी लोगों ने पुट कहा था करेक्ट आंसर था, मेरा आंसर गलत था। मैं गया था कॉल के लिए और मतलब मेरी ट्रेड गलत थी, आपका आंसर सही था, जिन्होंने भी पुट कहा होगा। ठीक है, तो हमारी पहली ट्रेड ड्रॉ हो चुकी थी, सेकंड ट्रेड हमारी लॉस चली गई है। अब हम आते हैं हमारी थर्ड ट्रेड पर। चलिए आपकी बारी प्रिडिक्शन की। और मैंने ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। इस बार मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि पिछली बार काफ़ी बोला था और ट्रेड अगेंस्ट चली गई थी, पर आई होप देखते हैं कि क्या होता है और उम्मीद है कि हमारे डायरेक्शन हो जाए। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। यार एक मैंने चीज बोली थी आप लोगों से, जजमेंट किया था इस ग्राफ के बारे में कुछ, एक बार वापस से सुनते हैं। मैंने तुरंत पुट के लिए ट्रेड ले ली क्योंकि मुझे लगा पुट जाने के चांसेस है। अब लगा इन द सेंस कि अंधेरे में तीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर मैंने मारा है। यहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। हो सकता है इस कैंडल पे ना हो, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा फॉर श्योर। जैसा कि मैंने कहा था ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, और ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया था और आपको हो गया है, आप देख सकते हैं। और हमारी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो पहली ट्रेड हमारी ड्रॉ, सेकंड ओटीएम और थर्ड ट्रेड आईटीएम आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ और ट्रेंड देखिए चेंज हुआ है। दो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिली है, इसलिए कह रहा हूँ सिग्नल ग्रुप में अभी ज्वाइन हो जाओ, आज ही ज्वाइन हो जाओ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद चैनल का नाम यानी टेक्निकल अभी लिख के और उसके आगे अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने ये जो वीडियो है अंत तक देखी है। और गिव अवे तो कभी भी हो सकते हैं सरप्राइजिंगली, तो दिमाग में रखिएगा चीज़। नेक्स्ट ट्रेड बताइए क्या करना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो ट्रेड है वो मैंने प्लेस कर दी है। आपने क्या कहा है कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत दिलचस्पी से देखूंगा आफ्टर जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद जो कमेंट सेक्शन रहेंगे, मैं बहुत उत्सुकता से देखता हूं कि कितने सारे लोग मेरी बात से सहमत हैं और कितने सारे लोग नहीं हैं। बहुत मज़ा आता है ये चीज़ देखने में, क्योंकि जो लोग ऐसा होता है कि मेरी बात से सहमत नहीं होते और ट्रेड उनके फेवर में चली जाती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलो ऐसा हुआ कि यार आप ने आपका ट्रेड जो है वो मेरे से बेस्ट था, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मुझसे काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी फोर्थ ट्रेड है आज के दिन की। देखा जाए तो आज के दिन हमारी लास्ट ट्रेड बचती है क्योंकि चार ट्रेड हमने ले ली है। पहली ड्रॉ थी तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, तो फर्स्ट ट्रेड ड्रॉ तो कैंसिल कर देते उसको, तो इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। उसके बाद की जो ट्रेड थी यानी कि उसको मैं फर्स्ट कंसिडर करूंगा, फर्स्ट लॉस, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड लॉस। हमारे पास दो ट्रेड और बचती है आज के दिन की और मार्केट को आप देख सकते हैं भाई हो क्या रहा है, भाई कोई न्यूज इंपैक्ट है क्या है ये भाई। तो चलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है। सॉरी मैंने आपको इस बार टाइम नहीं दिया क्योंकि यार टाइम अगर देता तो शायद ये मेरा जो कॉल है ये चला जाता जहां मुझे लग रहा था कि मुझे ट्रेड लेनी चाहिए, वो मिस हो जाता, ये रीज़न था। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, $5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना ही मैंने $5 को $10 किया है लॉस के बाद, यानी मार्टिंगल स्टेप्स मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे हैं।
इस सीरीज में, पूरी सीरीज में। ये सीरीज पिछली सीरीज से हमारी जो हमें $10 को $1,000 पहुंचाया था उससे अलग क्यों है? क्योंकि इस सीरीज में हम मार्टिंगल फॉलो नहीं करने वाले। रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है हमारा वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और एक प्लान के तहत हम चलने वाले हैं। हो सकता है इस प्लान में हम कामयाब ना भी हों, क्योंकि ये सुनने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट इम्प्लीमेंट करने में उतना ही ईजी है वॉट आई फील। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हमें क्या करना है, डेली की सिर्फ 5 ट्रेड लेनी है, सिर्फ 5 ट्रेड, और हमें पता है कितने अमाउंट की लेनी है वो भी हमें पता है। यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं, $4 का प्रॉफिट। चलिए अगली ट्रेड पे आते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा, माफ़ी चाहूँगा एक बार फिर से आप सभी लोगों से, क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये जो कॉल है ये चली जाएगी, इसलिए मैंने फिर से जल्दी से ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंड पकड़ा हुआ है अब ऊपर का, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और ये आज के दिन की हमारी लास्ट ट्रेड होने वाली है। पहली ट्रेड हमारी लॉस थी, सेकंड ट्रेड ITM थी, थर्ड ट्रेड लॉस थी, फोर्थ ट्रेड ITM थी, और अगेन ये हमारी फिफ्थ ट्रेड है आज के दिन की। तो लेट्स सी कि हम कितना अचीव कर पाए हैं आज के। ओहो, अरे भाई यार, ये तो एकदम से नीचे चला गया। चलो ठीक है, कोई इंडिकेशंस नहीं थे, बट ठीक है मैं समझ गया यहाँ पे, यहाँ से अब थोड़ा सा ट्रेंड नीचे ही डायरेक्शन में रहने वाला है, हो सकता है नीचे में रहे, बट ये आज के दिन की हमारी लास्ट ट्रेड है। तो मैंने उम्मीद करी थी कि ये प्रॉफिट में लैंड हो जाए, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर प्रॉफिट में लैंड हो जाएगी तो, बट चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा रिवर्सल मिला है यहाँ पे इस कैंडल को। तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में लैंड हो चुकी है फाइनली, और हम पहुंच चुके हैं 150.36 सेंट्स पे। तो लेट्स सी यार, 156.36 अगले दिन के लिए क्या हम लायक हैं? नहीं यार, अगले दिन पे ट्रेड लेने के लिए हमें चाहिए $161 का टारगेट, यानी कि हम डे 6 तक नहीं पहुंच पाए आज के दिन। बट कोई बात नहीं, आज के दिन का प्रॉफिट टारगेट $15 था, बट हम शायद $5-$7 ही प्रॉफिट टारगेट कर पाए, लेकिन हम लॉस में नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए काम करते हैं, नेक्स्ट डे वापस से कंटिन्यू करेंगे, यानी अगला जो कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, और कल क्या करेंगे, डे 5 का ही पार्ट 2 जो है आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल लग रही होगी, एकदम कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, और मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ। अगर आपका लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, 5 ट्रेड लेते ही आपको एक दिन क्लोज कर देना है। ये देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स, 5 से ज़्यादा लेनी ही नहीं है इस पूरे सीरीज में, क्योंकि ये आपको बांध के रखती है। अगर आप 5 से ज़्यादा ट्रेड लेंगे आप लालच में आके अपना पूरा अकाउंट जीरो कर देंगे। हमने शुरुआत की थी $100 से $150 तक पहुंच चुके हैं महज 5 से 6 दिन में। तो बने रहिएगा साथ में, और मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।